हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं पालक के पत्ते से क्रिस्पी पकौड़ा बनाने जा रही हूँ, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आइए मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ। इधर मैंने पालक के पत्ते को अच्छे से धो लिया है। इधर मैंने बॉयल किया हुआ आलू लिया है और इसे अच्छे से मैं मसल लेती हूँ। यहाँ पर मैं फॉर्क से मसल रही हूँ, आप चाहे तो इसे हाथ से भी मसल सकते हैं। तो यहाँ मैंने आलू को अच्छे से मसल लिया है। स्वाद अनुसार मैंने यहाँ नमक डाला है, आधा चम्मच मैंने यहाँ चाट मसाला डाला है, बारीक कटा हुआ यहाँ पर हरा मिर्च डाला, बारीक कटा हुआ मैंने यहाँ प्याज डाला है। और सबको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबको अच्छे से मिला लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पत्तों पर इस तरह आलू के स्टफिंग को रखकर ऐसे अच्छे से रख फैला लेती हूँ। और इसी तरह से मैं सारे पत्ते पर तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे पत्ते पर लगा कर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर डाला है, स्वाद अनुसार मैंने यहाँ नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने गोलकी जीरा का पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। और सबको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गाढ़ा भाव तैयार कर लेती हूँ। तब घोल हमारा बिल्कुल गाढ़ा तैयार हो गया है। कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, तेल भी हमारा गरम हो गया है। तो अब इस तरह से मैं पालक के पत्तों के बेसन में लपेट कर गरम तेल में डालते जाऊंगी। और इसी तरह से मैं सारे पालक के पत्ते को बेसन में लपेट कर तेल में डाल दूंगी। और मैं इसे दूसरी तरफ पलट लेती हूँ। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह मैं उलट पलट के तलते रहूँगी। तलते वक्त गैस को मैंने मीडियम ही रखा है ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाए, खाने में ये क्रिस्पी लगे। तो ये अच्छे से पक गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और इसी तरह से मैं सारे पकौड़े को तल कर तैयार कर लेती हूँ। ये आप किसी भी सॉस, चटनी, किसी के भी साथ आप खा सकते हैं। खाने में ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। तो आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।